विवाह पंचमी। विवाह पंचमी के दिन ही प्रभु श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान श्रीराम और माता सीता की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में इस वर्ष के विवाह पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले आग्रह है कि कृपया हिंदू रिचुअल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आपको बताते हैं पंचमी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष विवाह पंचमी 8 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ेगी। पंचमी तिथि की शुरुआत 7 दिसंबर को रात 11:40 से शुरू हो जाएगी तथा 8 दिसंबर को रात 9:25 तक रहेगी। अतः 8 दिसंबर के दिन आप प्रभु श्रीराम और माता सीता का विवाह वर्षगांठ मनाएंगे। विवाह पंचमी का सभी पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन सीताराम के मंदिरों में भव्य आयोजन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान तथा विशाल उत्सव किए जाते हैं। साथ ही रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। नेपाल तथा मिथिलांचल के लोग इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि माँ सीता वहीं की पुत्री थी। यह व्रत कुंवारी कन्याओं तथा नवविवाहित जोड़ों के लिए विशेष फलदायी होता है। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो इस व्रत के प्रभाव से मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें तो उनके वैवाहिक जीवन में होने वाली सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। विवाह पंचमी की पूजा विधि भी बहुत सरल तरीके से होती है। इस दिन सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा मन में व्रत का संकल्प करें। चौकी पर लाल आसन बिछाएं। ध्यान रहे कि भगवान राम को लाल आसन तथा माँ जानकी को पीला आसन दिया जाता है। उसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजन के बाद आरती करें तथा ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला या 3, 5 या 7 माला जाप करें। पूजन करने के बाद सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें तथा प्रसाद ग्रहण करें। विवाह पंचमी के दिन श्री पंचमी का व्रत भी किया जाता है। श्री पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, और श्री पंचमी पर आधारित ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर दी गई है, वहाँ पर जाके आप व्रत विधि तथा कथा सुन सकते हैं। अतः विवाह पंचमी के दिन माँ सीता और भगवान राम की पूजा के साथ आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग इस दिन राम सिया विवाह रचाते हैं, वे फूलों की माला से श्री राम जी और माता सीता का गठबंधन करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।